जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं डायनामैक्स और आज हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन सिल्वर येलो। तो भाई ये गेम इतना शानदार क्यों है, क्योंकि भाई इस गेम में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये गेम है चैम्पियन रेड के ऊपर, जो कि कैंटो रीजन का चैम्पियन था, बट इस गेम में ये है जोटो रीजन का चैम्पियन। और अभी अपने कैंटो की जर्नी शुरू करने वाला है। और आप लोग देख सकते हो भाई इस गेम में ऑलरेडी कितने सारे ऑसम आइटम्स मिल रहे हैं हमें, सारे HMs हमें मिल चुके हैं, मास्टर बॉल तक मिल चुकी है यार, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस शेयर मिला है और की आइटम्स भी जितने हैं लगभग सभी के सभी मिल चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ और होनी चाहिए थी इसमें या क्या चीज़ नहीं है इसमें की आइटम्स में। आई होप जिन लोगों ने पोकेमॉन हार्ड गोल्ड शिद्दत से खेला है ना, उनको तो पता ही होगा यार कि कौन कौन से आइटम्स मिसिंग हैं। बाकी भाई गेम बहुत सही होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं तालाब वगैरह हमें मिल जाएगा और हमारे पास ओल्ड रॉड और गुड रॉड हैं, जिससे हम काफ़ी अच्छे पोकेमॉन्स वाटर टाइप कैच कर सकते हैं। कुछ नहीं तो यार मैजिक कार्प तो मिल ही जाएगी, जिसे हम स्टार्टिंग में ही इवॉल्व करके गैराडोस बना सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं रेड ऑलरेडी जोटो रीजन के 8 जिम लीडर्स को हरा चुका है, जोटो रीजन का चैम्पियन है यार ये। यहाँ आप लोग देख रहे हो काफ़ी सारे लोगों के लगभग सारे कॉन्टैक्ट्स, मैप वगैरह, जो भी चीज़ें हमें बाद में मिलती थी वो सब स्टार्टिंग से ही है इसके पास। तो भाई ये गेम बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। और भाई ये रही हमारी मॉम, इस गेम में बेस्ट विशेस दे रही है हमें जर्नी के लिए, थैंक यू मम्मी जी। और यहाँ प्रोफेसर ओक हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलो चल के देखते हैं। भाई सोच रहे हो ना, आप लोग खुद सोच सकते हो भाई, प्रोफेसर ओक खुद आए हैं, क्यों नहीं आएंगे भाई, चैंपियन है यार हम। तो भाई यहाँ प्रोफेसर ओक हमें कुछ शानदार चीज़ देने वाले हैं। पीछे एक पोकेबॉल रखी है, उसमें शायद कोई सा पोकेमॉन होगा। तो चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ है पिकाचू भाई, एज अ स्टार्टर इस गेम में हमें मिला है पिकाचू, हर्ड गोल्ड में, सोल सिल्वर में, जहाँ स्टार्टर्स में सिंडाकोइल, चिकोरीटा और टोटोराइल में से चूज करने का ऑप्शन मिलता है, बट इस गेम में हमें मिल रहा है एज अ स्टार्टर पिकाचू। भाई आप लोग देख रहे हो ना यार, पिकाचू के साथ जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मुझे तो भाई इसका हॉल ऑफ फेम देखना है यार, कि हॉल ऑफ फेम में इसके कौन से पोकेमॉन रजिस्टर्ड है। आप लोगों को पता होगा यार, हॉल ऑफ फेम में वो 6 पोकेमॉन रजिस्टर्ड होते हैं जिन 6 पोकेमॉन्स के साथ आपने चैम्पियन को हराया हो। तो मुझे इसके जोटो रीजन की टीम देखनी है यार। और यहाँ आई हमारे पिकाचू को नाम देने की बारी, तो भाई इससे मैं नाम दूंगा कामिनारी, जो कि एक कैरेक्टर है माय हीरो अकेडमिया का, और उसके पास सुपर पावर है इलेक्ट्रिक टाइप की। तो हमारे पिकाचू को भी इससे सिमिलर नाम देंगे। भाई अगर आप लोगों ने माय हीरो अकेडमिया सीरीज़ नहीं देखी ना, भाई आप लोगों ने कुछ नहीं देखा यार, अभी की बेस्ट सीरीज़ चल रही है यार। मुझे तो अभी बेस्ट सीरीज़ वही लग रही है करेंट में चलती हुई। हर मंडे को एक नया एपिसोड रिलीज़ होता है उसका, और अभी सीज़न 5 चल रहा है भाई, तो जल्दी जाके देख लो यार, मस्त आने में है, देख के मज़ा आ जाएगा यार आपको। एक्चुअली अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी बता ही देता हूं आप लोगों को, कि नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड अर्थ जैसा जो चल रहा है सब चल रहा था, अचानक से एक बच्चा बॉर्न होता है जो थोड़ा चमक रहा होता है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि उस बच्चे के पास सुपर पावर्स थी, और धीरे धीरे अर्थ में सभी लोगों के पास, अराउंड 95% प्लस लोगों के पास सुपर पावर्स आ जाती हैं, और कुछ लोग बच जाते हैं जिनके पास सुपर पावर्स नहीं रहती। तो सुपर पावर्स के साथ कुछ सुपर हीरोज बन जाते हैं और कुछ सुपर विलन्स रहते हैं। तो ये जो स्टोरी है पूरी एक बंदे की है, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी बट वो सुपर हीरो बनना चाहता था, और उस टाइम जो बेस्ट सुपर हीरो था, जो नंबर 1 सुपर हीरो था, उसने अपनी सुपर पावर्स उस बच्चे को दी, और भाई वो बंदा निकल पड़ा जर्नी पे। मतलब ये पूरी उसी की जर्नी है कि वो कैसे नंबर 1 हीरो बना। तो भाई बहुत शानदार सीरीज़ है यार, देख के मज़ा आ जाएगा यार मुझे भी। मतलब सीज़न 1 के मैंने उसके सिर्फ 5-7 एपिसोड देखे थे ना भाई, आग लग गई थी यार, मज़ा ही आ गया था।
भाई यहाँ मैं सोच रहा था कि ओल्ड रॉड यूज़ करके, जैसा आप लोगों को बताया था एक आध मैजिक कार्प वगैरह कैच कर लूँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मैजिक कार्प आई थी बट वो बहुत जल्दी फेंट हो गई, और उसके बाद एक टेंटाकूल आया था, वो भी यार इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। हालांकि टेंटाकूल अच्छा है, टेंटाकूल काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और उसके पास टॉक्सिक स्पाइक्स भी होते हैं, तो अगर आप चाहो तो उसे आगे जर्नी में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ भाई हमें नेशनल पोकेडेक्स मिल गया है, बहुत सही यार। तो हमारा पोकेडेक्स अपग्रेड हो चुका है, यहाँ नेशनल पोकेडेक्स मिल चुका है, और यहाँ हमारे तीन पोकेमोन रजिस्टर हो चुके हैं, पिकाचू, इसके बाद टेंटाकूल और तीसरा जो था मैजिक का। चलो भाई सही है, मैं यार बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आगे यहाँ कैंटो रीजन में हमें कौन कौन से पोकेमोन्स मिलेंगे। मैंने थोड़ा बहुत और गेम को खेला था लास्ट टाइम, तो जो पोकेमोन्स हमें पोकेमोन हार्ट गोल्ड या सोल सिल्वर में मिलते हैं, इस गेम में थोड़े हटके पोकेमोन्स मिलेंगे अलग अलग जगहों पर। तो भाई ये हम निकल चुके हैं कैंटो टाउन से बाहर, सॉरी पैलेट टाउन से बाहर, कैंटो तो रीजन है यार। और यहाँ हमारा पहला इनकाउंटर हुआ है नन्ने मुन्ने पिजी के साथ, जिसको हम कैच नहीं करेंगे इस गेम में, तो नहीं करेंगे यार। और यार आप लोगों ने देखा था ना जिस तरह से पिकाचू पीछे देख के हाय बोलता है, मस्त लग रहा है यार, मतलब ये फीचर नहीं था यार गेम में। और एक और चीज़, ये जो भाई पोकेमॉन्स पीछे घूमते रहते हैं ना, ये चीज़ भी बहुत सही लगती है यार। ओ भाई सेंट्रेट आ गया यार, भाई हमारे पास सारे के सारे एचएम्स हैं, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जैसे ही सेंट्रेट दिखे आप उसे कैच कर लेना। मैं तो अभी कैच नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यार एक तगड़े पोकेमोन की तलाश है, एक शानदार पोकेमोन की तलाश है। वो एक से दो अच्छे पोकेमोन्स हो जाएंगे देन यूज़ करूँगा अगर ज़रूरत होगी तो, वैसे फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत होगी एचएम्स की। और यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये बंदी के पास बल्बस और है यार, शायद प्रोफेसर ओक के पास पहले जाके इसने बल्बसौर ले लिया था उनसे, क्योंकि नया नया है यार ये भी, लेवल 5 का ही है। चलो कोई नहीं, उसे तो निपटा दिया हमने, और ये हमारा पिकाचू खुशी से स्माइल कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना यार, आई थिंक इन सबको भी प्रोफेसर ओक ने कोई ना कोई पोकेमोन दिया ही होगा। चल भाई स्पाइक शेयर वाले बंदा, इसके पास क्वार्टल है भाई, प्रोफेसर ओक ने ही दिए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चारमेंडर भी दिया होगा यार। यार काश काश हमें चारमेंडर मिल जाता यार, इस गेम में मेगा इवोल्यूशन भी है तो हम उसे मेगा चार्जर एक्स में इवॉल्व कर लेते यार, भाई मज़ा ही आ जाता उसे देख के तो। चलो कोई नहीं, आगे कहीं ना कहीं तो चारमेंडर मिलेगा ही हमें, बस यार उसका इंतज़ार है, वो आ जाएगा मज़ा आ जाएगा। अब सोचो ना यार टीम में मेगा चार्जर एक्स, हमारे पीछे मेगा चार्जर एक्स घूम रहा होगा, कितना औसम लगेगा यार। ये तीसरी बैटल हमारे इस बच्चे के साथ, इसके पास भी पिकाचू है, सही है यार। तो चलो भाई जल्दी से इसे भी निपटाओ, और भाई ये हमें पैरालाइज करके चला गया है, इसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कुछ टाइम तक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स मिलेंगे हमें, बच्चे ही मिल रहे हैं यार। चलो देखें यार क्या है, और यहाँ ये एक आखिरी बच्चा है, इसके पास आई थिंक चारमेंडर होगा। ये ब्रूटस नाम का एक कोई बंदा है जिसने ये गेम को क्रैक करके ये वर्जन बनाया है, आई मीन इस गेम का क्रिएटर वही है। भाई मुझे लग रहा है यार क्या कि कुछ लोग करते हैं यार ऐसा कि बैटल में अपोनेंट के पोकेमोन को भी हम कैच कर सकते हैं, मे बी ये फीचर डाल दिया उसने, ट्राई करके देखें यार। चलो थोड़ा सा इसे वीक कर देते हैं चारमेंडर को, थोड़ा सा वीक हो जाएगा ना फिर ट्राई करेंगे यार कैच करने का, एक बार पोकेबॉल फेंक के देखेंगे इस पर। और ये चारमेंडर भी हो गया है पैरालाइज, चलो क्विक अटैक से हेल्थ आधी कर दी है इसकी। भाई चारमेंडर कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार, ओ भाई ट्रेनर ब्लॉक्ड द पोकेबॉल, डोंट बी अ थीफ।
नहीं भाई इसे कैच नहीं कर सकते यार, इस बेचारे क्यूट से चार्मेंडर को यार पेंट करने में भाई बहुत दिल दुख रहा है यार। मतलब होता है यार, ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था यार ये चार्मेंडर, बट क्या करें यार। वैसे आपको सबसे क्यूट कौन सा पोकेमोन लगता है यार, कमेंट में लिखो, जल्दी 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 कमेंट करो यार। और ये आप लोग देख रहे हो बंदे के पास 800 रुपये हो चुके हैं। हाँ ये मत समझना शो ऑफ कर रहा था जिम बैजेस दिखा के, नहीं भाई जिम बैजेस नहीं दिखा रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था कितने रुपए हुए हैं यार चार लोगों से बैटल करके, सिर्फ 800 ही रुपये हुए हैं अभी तो। इतने में क्या होगा रे, दो रिपल्स आएंगी शायद, हाँ दो रिपल्स आ जाएंगी इतने में। या फिर मैं सोच रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल जितना भी पैसा आएगा सब पोकेबॉल्स पे स्पेंड करूँगा, क्योंकि आगे भाई कोई धांसू पोकेमोन मिल गया ना तो उसे नहीं छोड़ने वाला मैं। नर्स जॉय जल्दी जल्दी हील कर दो यार मेरे पिकाचू को, ताकि हम जर्नी में आगे बढ़े। और पिकाचू हील हो चुका है। और भाई आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माई हीरो अकेडमिया देख रखी होगी, तो आप लोग बताओ आपका फेवरेट हीरो कौन सा है उनमें से। आई मीन मेन तो दो ही बंदे हैं फिलहाल करेंट में, एक बाकुगो दूसरा मिदोरिया जो हमारा लीड रोल में है। तो भाई ज़्यादा शानदार कौन लगता है यार, मिदोरिया या बाकुगो? और भाई इसके अलावा एक बंदा और है जो सबसे ज़्यादा कूल है, शोतो तोदोरोकी शोतो, हाँ यही नाम था उसका भाई, वो भी शानदार बंदा है यार। उसकी सुपर पावर है आइस प्लस फायर, आई मीन वो आइस और फायर ये दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा कूल है यार। और रिसेंट में भाई 2 एपिसोड पहले मिदोरिया की नई सुपर पावर, मतलब उस एनीमे में सुपर पावर को कोक बोलते हैं, तो मिदोरिया की नई कोक रिलीज़ हुई है और भाई मतलब शानदार है यार, वो अलग ही टाइप की है। एक्चुअली इसकी मेन जो स्टार्टिंग में जो उसके पास कोक थी वो थी सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड, मतलब वो काफ़ी स्पीड में कहीं भी आ जा सकता था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और भाई जो दूसरा बंदा था आई मीन इसका एक जो राइवल था बाकू को, उसकी अब उसकी कोक ये थी कि वो हाथ से ब्लास्ट कर सकता था, आई मीन उसकी बॉडी से कुछ लिक्विड निकलता था जिससे वो ब्लास्ट कर सकता था, ब्लास्ट मतलब धमाके कर सकता था सीधे सीधे अपने हाथों से। तो मुझे तो यार स्टार्टिंग में इतना कुछ लगा नहीं, बट सीरीज़ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको वो क्वक बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती थी, और धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि भाई वो कसम से बहुत ही ज़्यादा शानदार है यार, वो क्वक बहुत तगड़ा बंदा है। और यहाँ भाई हमें कुछ आइटम्स जो हमारी मम्मी ने भेजे थे मिल चुके हैं, सिल्स काफ, चॉइस काफ और मूनस्टोन। मूनस्टोन यार बहुत जल्दी मिल गया यार इस बार गेम में, आइटम्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं यार, ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार इस गेम में सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी मिल रही हैं। तो भाई मैं सिल्स काफ दे दूंगा हमारे पिकाचू को, ताकि क्विक अटैक जो है वो थोड़ा और ज़्यादा डैमेज दे। चलो भाई यहाँ से तो आगे निकलते हैं। ओ भाई एक चीज़ और देखनी थी मुझे, हॉल ऑफ फेम देखना था यार हमें, कि जोटो रीजन में रेड ने कौन से पोकेमॉन्स यूज़ किए थे यार, रेड की टीम देखनी है यार। ये रेड का पीसी है लेकिन यहाँ पे तो पोकेमॉन का कोई भी बॉक्स नहीं है। मुझे लगा यार कि जैसे पुराने जिम बैजेस हैं पुराने पोकेमॉन्स भी होंगे इसके पास। ओ भाई हॉल ऑफ फेम में भाई इसके पास मिथिकल लेजेंड्रीज, भाई हर टाइप के पोकेमोन हैं यार, 2 लेजेंड्रीज हैं, 2 मिथिकल हैं, बाकी 2 नॉर्मल नन्हे मुन्ने, और सभी के लेवल 100 है और सभी के पास कुछ ना कुछ HM है। सिंडा कोयल के पास कट है, पिकाचू के पास स्ट्रेंथ, लाटियास के पास वाटरफॉल और फ्लाई। क्या बात है भाई, बहुत तगड़ी टीम थी यार इसकी तो, सच में यार जोटो में इसकी बहुत तगड़ी टीम थी यार, ऊपर से सबके सब लेवल 100। भाई ये इससे कौन हरा सकता है यार, फिर कौन हरा सकता है सोचो ज़रा। और भाई ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, आपने ये जो ऊपर वॉकी टॉकी टाइप का है जो रजिस्टर्ड है हमारे वाई पे उसे देखा, आई मीन इसको क्लिक करते ही यार पूरा म्यूज़िक मतलब हल्का सा थोड़ा चेंज हो गया यार,
ये चीज़ यार हर्ट गोल्ड में मैंने नहीं देखी यार अब तक। और ये भाई ये पहला बग कैचर आ गया है, देखते हैं कौन कौन से बग्स लेके आया है बैटल करने के लिए। तो यहाँ पहले बग कैचर के साथ बैटल स्टार्ट हो चुकी है। आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ होगा, बस बस इसी की उम्मीद थी मुझे, पहला वीडल इसको निपटा देंगे, देन आ जाएगा शायद कैटरपी। चलो भाई ये कैटरपी आ गया इसका, इसको भी निपटा दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यार ये थोड़ा क्या जंगल टाइप का एरिया आ गया है, तो यहाँ काफ़ी सारे बग कैचर्स होंगे। नंबर मांग रहा है यार, रहने दो। ओ भाई सही बंदा यार, इसे कुछ भी मिलेगा तो ये हमें दे देगा भाई, इसका नंबर ले लो यार, काफ़ी तगड़े आइटम्स दे सकता है ये। देख रहे हो भाई सेंट्रेट ना पकड़ने की गलती कर दी मैंने, तो राइट साइड में ये पोकेबॉल मिस हो गई हमारी और ये बग कैचर्स को फेस करना पड़ रहा है यार। अगर सेंट्रेट ले लेते ना तो यहाँ से सीधे निकल जाते यार आगे, और ये रास्ता शायद सीधा प्यूटर सिटी जाता है। क्या यार गलती कर दी यार, काश सेंट्रेट को कैच कर लेते, अब तक तो भाई बहुत आगे पहुँच चुके होते यार, मे बी डायरेक्ट जिम में पहुँच जाते हम। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। और नहीं इसको फ़ोन नंबर नहीं देना, फिजूल में कॉल करके बक्स के बारे में बताएगा। और ये कॉर वीडल, ये देखो वीडल बोला और ये वीडल हाजिर। रिपल्स ले लेनी चाहिए यार, लेकिन सही है यार रिपल्स नहीं ली तो मे बी कुछ अच्छा मिल जाए, मे बी मिलना तो चाहिए यार। चलो देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है कौन सा। और भाई हम आ चुके हैं विरिडियन फॉरेस्ट, फर्स्ट टाइम आया हूँ यार मैं विरिडियन फॉरेस्ट में। हर्ट गोल्ड में भी मतलब कैंटो का इतना पार्ट मैंने खेला नहीं था तो ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे कहाँ पे क्या है। जोटो का तो पूरा आइडिया है, लेकिन इस गेम में जोटो बंदे ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। यहाँ से सीधा ही जाना है यार अब हमें प्यूटर सिटी के लिए, और वहाँ मिलेगा हमें हमारा पहला जिम बैच। आई थिंक ये ट्री थोड़ी स्पेशल होगी, आई मीन अलग से रास्ता था उस तक ही जाता था, मे बी हेडबट मारने पे कोई स्पेशल पोकेमोन निकले, हेरा क्रॉस भी निकल सकता था यार जैसे हमें हर्ट गोल्ड में मिला था। और ये कॉर बग कैचर ककूना है, चलो यहाँ थोड़ी ज़्यादा एक्सपी मिल जाएगी हमें, ककूना और मेटापॉड। चलो इसके बाद हमारा कामिनारी हो चुका है लेवल 10 का। पहले मैं सोच रहा था जो टीम हर्ट गोल्ड की है सिमिलर उस टाइप के पोकेमॉन्स देख लूँ, आई मीन फ्लाई यूज़ करके पिजी कैच करके फ्लाई यूज़ कर लूँगा, देन प्रोफेसर एल्म के पास जाऊँगा, वहाँ से शायद अंडा मिल जाए, और वैसे ही सेम कुछ ना कुछ कर करके सेम टीम बना लूँगा। आई मीन स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे यार मेरी पुरानी टीम में, टोकेकिस था और कौन सा था, हेराक्रॉस था, क्वैगज़ायर था, अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स थे यार, एस्पियन था। ओ भाई यहाँ फिर से हेराक्रॉस मिल गया यार, भाई हेराक्रॉस बहुत धांसू पोकेमॉन है यार। और आखिरी कौन सा था यार इनके अलावा, एम्फेरोस था, इन सब की जगह ड्रैगनाइट तो कैच कर ही लेता मैं ये सोच रहा था, लेकिन भाई फ़िलहाल हेराक्रॉस आ चुका है। मे बी एक शुरुआत तो हमारी पुरानी टीम के एक मेंबर की हमारी नई टीम में वेलकम करने की। सबसे पहले भाई पैरालाइज कर दिया इसे, अब थोड़ा बहुत डैमेज देंगे इसे, थंडर शॉक यूज़ कर देते हैं यार क्योंकि क्विक अटैक नॉर्मल टाइप में हुआ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन पे ज़्यादा असर थोड़ी देगा। बस एक क्विक अटैक यूज़ करते हैं अब, और फिर आई मीन क्विक अटैक थोड़ा सा डैमेज देगा ऐसे हल्का सा, वरना बस। ओ भाई पेंट कर दिया यार, शिट यार हेराक्रॉस हाथ से निकल गया भाई, बहुत धांसू पोकेमॉन है यार। चलो आप लोगों को तो पता चल गया कि हेराक्रॉस कहाँ पे मिलेगा भाई, जैसे ही मिले कैच कर लेना। और यहाँ टीएम मिल चुका है साइकअप, या अपोनेंट के स्टैट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उसे कॉपी कर लेता है। और भाई यहाँ आया ककूना, नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं, हालांकि ये लेवल अप करवा देगा, लेवल 11 पे हो जाते इसे अगर निपटा देते तो, लेकिन नहीं करना यार नहीं निपटाना। और मैं इस लेफ्ट साइड वाले पाथ पे थोड़ी आगे आया तो मुझे मिला एक लीफ स्टोन,
अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ले सकते हो यार, इससे अपने किसी ग्रास टाइप को इवॉल्व कर सकते हो या फिर अपने ईवी को लीफियन में भी इवॉल्व कर सकते हो, तो अच्छी चीज़ है अगर टीम में किसी ग्रास टाइप को रखना है तो। आई थिंक विक्ट्री बेल वीपन बेल से ग्रास स्टोन यूज़ करके ही इवॉल्व होता है ना शायद। हाँ एक और वीडल, बस यार ये जो रैंडम इनकाउंटर्स होते हैं ना ये सड़े सड़े पोकेमॉन्स के, ये बहुत बेकार लगते हैं यार ये चीज़। लेकिन रैंडमाइज्ड गेम्स में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ एकदम रैंडमली कुछ भी कोई सा ही पोकेमॉन निकल के आ जाता है, बहुत मस्त लगता है यार। क्या यार ये कॉर, ओ भाई साहब साइथर आ गया यार यहाँ तो, बहुत तगड़े यार। हेराक्रॉस ना सही भाई, साइथर को तो पकड़ के ही रहेंगे यार। चलो क्विक अटैक यूज़ करते हैं क्योंकि थंडर शॉक से तो निपट जाएगा एक बार में, फ्लाइंग टाइप है। चल भाई आधा हो गया, ये भी क्विक अटैक यूज़ कर रहा है और पैरालाइज हो गया, बहुत सही। एक और भाई बच जाना, तू बच जाना प्लीज़ यार। और भाई एक HP पे रुक गया यार साइथर, साइथर भी हमारी टीम ज्वाइन करना चाहता है मतलब। बस भाई पोकेबॉल्स फेंकेंगे और इसे कैच कर लेंगे, एक HP पे है यार, आराम से आ जाएगा साइथर तो। ओ भाई कोई दिक्कत नहीं, अच्छा किया भाई हमने पोकेबॉल्स परचेस कर ली थी वरना दिक्कत हो जाती यार, साइथर हाथ से छूट जाता। बट कोई दिक्कत नहीं, 8 पोकेबॉल्स हैं, आराम से आ जाएगा यार साइथर। आ जा नहीं आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक पोकेबॉल और ट्राई करते हैं, एक पोकेबॉल और ट्राई करूंगा यार मैं, आ गया तो ठीक वरना टाटा बाय बाय। आगे और भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हो सकते हैं भाई, हेराक्रॉस मिल गया, साइथर मिल गया, और भी अच्छे पोकेमॉन्स मिल सकते हैं। और भाई साइथर को कैच कर लिया हमने भाई, बस किसी तरह से ये सिजोर में इवॉल्व हो जाए ना, मज़ा ही आ जाएगा। और भाई इसकी एबिलिटी टेक्नीशियन हो प्लीज़ यार, टेक्नीशियन एबिलिटी हो इसके पास तो भाई इसका नाम दूंगा मैं इंगेनियम, जो कि माय हीरो एकेडमी में एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर है यार। इस ये आप लोग देख रहे हो ना, इसी कॉस्ट्यूम है पूरा स्टील टाइप का, आर्मर टाइप का, और उसके पैरों में इंजन है जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट है यार, आई मीन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। जब साइथर सिजोर में इवॉल्व हो जाएगा हमारा तो भाई मज़ा आ जाएगा यार, ये भी स्टील का हो जाएगा, मस्त लगेगा यार। ब्लू फ्रूट मिल चुकी है हमें और लेफ्ट साइड का रास्ता ले लेते हैं यार, एक बार देख लेते हैं यार इसको एबिलिटी कौन सी मिली है। काश टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन एबिलिटी ही मिली है भाई इसको, बहुत सही। तो टेक्नीशियन एबिलिटी एक्चुअल में क्या करती है, मूव्स की पावर 50% से इंक्रीज कर देती है, जैसे वैक्यूम वेव और क्विक अटैक की पावर जो एक्चुअल में 40 है, टेक्नीशियन की वजह से ही हो जाएगी 60, बहुत सही। इसके अलावा लियर और फोकस एनर्जी है, और भाई एक चीज़ और, फॉल्स वाइप सीख सकता है साइथर, तो आगे जितने भी पोकेमॉन्स आएंगे उनको बहुत इजीली कैच कर सकते हैं हम। और यहाँ मॉम का कॉल आ गया है भाई, मॉम ने और भी कुछ तगड़े आइटम्स भेजे हैं, बस यार रिपल्स भेज दिए हों मॉम ने, एक दो सही रहेगा। चलो भाई ये एक और पोकेबॉल है, देखते हैं इसमें कौन सा आइटम निकलता है, एक और साइथर आ गया। चल भाई इसे तो थंडर शॉक दे के निपटाते हैं क्योंकि हमारी टीम में ऑलरेडी एक बीस्ट आ चुका है। चल बाय बाय साइथर, ये क्या है, डायर हिट, चलो अटैक्स की एक्यूरेसी बढ़ा देता है ये। और भाई यहाँ कुछ आइटम है क्या, कुछ हिडन आइटम है, कुछ स्पेशल नहीं, ट्री है कोने में, मे बी इस ट्री पे भी कोई स्पेशल पोकेमॉन हो, तो भाई अगर हेडबट मिल जाए तो आप लोग यहाँ हिट करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पोकेमॉन मिला है यहाँ से। बस आई थिंक यार इस यहाँ से निकलने के बाद प्यूटर सिटी पहुँच जाएंगे हम,
काश यार पहुंच जाए, बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं यार, आराम करना है थोड़ा बहुत। रूट 2 पे आए हैं, बताओ इतना लंबा घूमे फिरे, सीधा रूट 1 से रूट 2 पे आए हैं उसके बावजूद। काश यार काश, सेंट्रेट कैच कर लेते, आप लोग सेंट्रेट कैच कर लेना भाई लोग, कसम से बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सफ़र, इतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा आपको। बस नर्स जो है जल्दी हील कर दो, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता जिम लीडर बॉक्स से बैटल करने के लिए। हमारे दोनों पोकेमॉन्स हील हो चुके हैं भाई, अब आएगा मज़ा। बस जल्दी से जिम पहुँचे, ये 2-3 लोगों से बात कर लेते हैं। और ये बंदा भाई हॉन्टर के बदले में आपको जाटू ट्रेड कर देगा, जो कि एक साइकिक फैंग टाइप का पोकेमॉन है, टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वो। और ये क्या बोल रही थी यार, सिनेबार आइलैंड का जिम गायब हो गया, चल क्या रहा है यार ये, मे बी म्यूटू वाला कुछ लफड़ा हो। मैंने सुना था यार कि सिनेबार आइलैंड में ही वो लैब थी शायद जहाँ पे म्यूटू था, या ऐसा कुछ थी शायद, कोई थ्योरी वगैरह, हो सकता है वहाँ पे जाके हमें म्यूटू मिले। भाई इस गेम में म्यूटू मिला ना तो मैं टीम में रख लूँगा उसे। और भाई हम आ चुके हैं जिम प्यूटर सिटी जिम में, यहाँ का जिम लीडर है ब्रॉक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।